दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में आप सभी लोग इंटरनेट तो यूज करते हैं, लेकिन इंटरनेट यूज करने के टाइम में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। दोस्तों वीडियो अपलोड करने के टाइम में वीडियो अपलोड नहीं होता है और फोटो अपलोड नहीं होता है। आप सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, तो आपको अपलोड करते टाइम में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। दोस्तों इस प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए आप जियो का वाईफाई यूज कर सकते हो। एक पोर्टेबल जियो का वाईफाई के बारे में मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप करें जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक में जाकर आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। दोस्तों और उस डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक भी दिया गया हुआ है। ऐसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए आप सोशल मीडिया में जाकर मुझे फॉलो करें। दोस्तों अभी चलिए शुरू करते हैं टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों इस प्रोडक्ट को मैं amazon.in से परचेज किया था और इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने के लिए मैं सोच रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जियो का वाईफाई और उसके बाद यहाँ पर इसका साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपको पासपोर्ट दिया है, जियो का पासपोर्ट, और इसका MRP इसका रेट कितना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 2499 रुपये यहाँ पे लिखा है। लेकिन मैंने कितना में ख़रीदा है इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको IMEI और EAN आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। पहले तो इसको यहाँ पे खोल कर इसका अंदर क्या है वो और इसका फीचर क्या क्या है और इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो आप फटाफट खोल कर दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इसका बाहर का जो प्लास्टिक है उसको निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेप लगाया हुआ है, इसको मैं ब्लेड से काट कर आपको सामने यहाँ पे इस प्रकार से इसको बॉक्स खोलना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे पोर्टेबल जियो का वाईफाई आप देख सकते हैं इस प्रकार का। दोस्तों ये एकदम शानदार एकदम पोर्टेबल गोल आकार का आप देख सकते हैं और देखने में बहुत स्वीट और बहुत अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पे आप चार्जिंग के लिए चार्जिंग पोर्ट और पावर बटन और UPS बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और साइड में आप यहाँ पे इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको जियो का आप यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस आपको यहाँ पे कार्ड पढ़ने को मिल जाएगा और इसको पढ़कर आप ये पूरा आप देखकर यहाँ का इसका नियम के हिसाब से आप इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हो। दोस्तों ये तो था कुछ नेम और रेगुलेशन जियो कंपनी का। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, जियो का वारंटी कार्ड। ये आप का प्रोडक्ट का हिसाब से आपको वारंटी कितना है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, आप इसको पढ़ सकते हो और वारंटी ले सकते हो। दोस्तों ये तो था आपको वारंटी कार्ड जियो का। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पावर आपको एडेप्टर, पावर एडेप्टर USB पावर एडेप्टर, और इसके बारे में मैं यहाँ पे आउटपुट इनपुट और इसका क्या फीचर है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। दोस्तों ये था आप USB एडेप्टर का USB केबल, आपको इस तरीक़े से इतना आपको यहाँ पे लंबा वायर आपको केबल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे बैटरी देख सकते हो, लेकिन बैटरी ये 3000 mAh का बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और बहुत बेस्ट क्वालिटी का बैटरी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद इसको यहाँ पे खोल कर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको पासपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यही पासपोर्ट आपको मोबाइल में कनेक्ट करना है, डालना है। दोस्तों आपके बाद उसके बाद यहाँ पे आपको रीसेट बटन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कुछ आपको पिन डालकर उसको दबा के आप इस पोर्टेबल वाईफाई को रीसेट भी कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम डालने का पोर्ट और मेमोरी कार्ड का पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक सिम कार्ड डालकर
इस वाईफाई को चालू कर दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे बैटरी डालकर इस तरीके से इसको मैं पैक करके यहाँ पे जियो का पावर बटन ऑन करेंगे। पहले आपको पावर बटन ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे पावर बटन ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बैटरी का इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिखाई देता है और उसके बाद यहाँ पे 4G का आप यहाँ पे रेंज का इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वाईफाई का इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी इस वाईफाई मोबाइल में कनेक्ट करके यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा। यहाँ पे मोबाइल में वाईफाई चालू करने के बाद यहाँ पे इसका जियो का डिवाइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें टच करने के बाद जो वाईफाई का अंदर दिया गया हुआ पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको ये जियो वाईफाई आपका डिवाइस में कनेक्ट हो गया। मेरा इस डिवाइस में यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद मैं यूट्यूब चालू करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा इसका कितना स्पीड में वीडियो प्ले होता है। आपको ध्यान से आपने यहाँ पे देख सकते दोस्तों बहुत ही स्पीड से जियो का वाईफाई यहाँ पे चालू हो गया मेरा मोबाइल में। आप भी इस तरीके से आप इस पोर्टेबल जियो का वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। 4G स्पीड डाउनलोड स्पीड अप टू 150 Mbps एंड अपलोड स्पीड अप टू 50 Mbps। दोस्तों 150 Mbps में आप डाउनलोड कर सकते हैं और 50 Mbps में आप इस वाईफाई से अपलोड कर सकते हो। रिकमेंडेड टू कनेक्ट अप टू 10 वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस स्मार्टफोन लैपटॉप टैबलेट एंड इवन स्मार्ट टीवीएस। दोस्तों आप 10 डिवाइस तक इस वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्टफोन लैपटॉप टैबलेट और स्मार्ट टीवी में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट इसका बैटरी पावर है 3000 mAh का बैटरी पावर है। आप ये एक बार चार्ज फुल चार्ज करने के बाद 8 घंटे तक आप आराम से चला सकते हैं। दोस्तों इसमें 64 GB का मेमोरी कार्ड भी इसमें सपोर्टेड है। दोस्तों पावर एडेप्टर की बात करें तो इसका इनपुट है 240 वोल्टेज और आउटपुट है 0.5 वोल्टेज। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसे तरीके का टेक्निकल वीडियो लेके आते रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।